लड़का बछाने कन दा दोस्तों, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम टाटा टियागो से रिलेटेड जो हिडन फीचर्स हैं वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और काफी आप लोग उसमें से जानते होंगे, कुछ आप लोग नहीं जानते होंगे, वो हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। कुछ ऐसे भी फीचर होंगे जो आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं पता होगा। अगर कुछ लोगों को पता हो, उससे भी ज्यादा कोई फीचर पता हो, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, हम एक एक फीचर्स को लेके आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फीचर हम जो है की के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला फीचर हम इसकी की के बारे में बताना चाह रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि की जो है ऑन अनलॉक और लॉक के लिए यूज होती है, लेकिन इसमें कुछ और भी फीचर है जिसमें पहला फीचर ये है। जैसे कि ये बच्चा अब इस गाड़ी को छेड़ा छाड़ी कर रहा है, तो इसको अलर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको लॉक और अनलॉक को एक साथ दबा देना है, जिससे ये अलर्ट हो जाएगा। दूसरा फीचर ये है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं दूर खड़ी हो और आपको ना पता हो अपनी गाड़ी को कैसे सर्च करें, तो इस फीचर का इस तरीके भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला फीचर ये है जो कि ये हेडलैम्प का बल्ब है, साइन है। अगर आप इस पे हेडलैम्प को ऑन करोगे, अगर रात है तो आप अगर हेडलैम्प ऑन करोगे तो अपनी गाड़ी में हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को सर्च भी कर सकते हो और अंधेरे में कोई दिक्कत हो वो देख भी सकते हो। इस हेडलैम्प के बटन में एक और भी चीज है, अगर आप टिगोर यूज करते हो तो अगर आप इसको 3 सेकंड तक लगातार दबाओगे तो आपके डिग्गी जो है अपने आप खुल जाती है। तो प्लीज ये अपनी डिग्गी को भी देख लें, अगर ज्यादा देर दबा दिया तो डिग्गी खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर के फीचर्स के अंदर। अगला फीचर जो है म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कि अगर आपकी गाड़ी में चाबी ना लगी हो और आप बाहर कहीं जाओ और बच्चे अंदर बैठे हो या दोस्त बैठा हो, तो हम म्यूजिक प्लेयर को बिना की के ऑन कर सकते हैं, जो कि 1 घंटे तक चलेगा। अगला फीचर ये है कि ये आपकी गाड़ी का जो सेंटर लॉकिंग है वो अपने आप जो है 10 सेकंड के बाद ऑटो लॉक हो जानी चाहिए गाड़ी। अगर ऐसा ना हो तो आपको अपने म्यूजिक सिस्टम के सेटअप बटन पे जाना है, देन उसके बाद मीडिया व्हीकल सेटअप को ओके करना है, देन सेंटर लॉकिंग को, और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें अनेबल है तो हमें इसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, और अब जो है ये आपका फीचर काम करेगा, जैसे कि आप इस वक्त आप देख पाएंगे। अगला फीचर भी सेंटर लॉकिंग से रिलेटेड ही है। अगर आपकी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो और सेंटर लॉक ना हो रही हो चारों डोर, तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर में जाना है। पहले सेटअप में जाना है, देन फिर से जो है व्हीकल इसमें जाना है, सेटअप में सेंटर लॉकिंग, अब इसके बाद ड्राइव अवे ऑन लॉकिंग पे क्लिक कर देना है। अगला फीचर ये है कि अगर आप अपना गाड़ी चलाते टाइम पे अपनी हेडलैम्प्स को ऑन करते हो तो इसकी डिस्प्ले में लाइट कम हो जाती है, इसके लिए आपको क्या करना है कि इस सेट बटन पे जाना है और जितना भी आपको लाइट चाहिए। अब अगले फीचर पे चलते हैं, जिसमें कि ये आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, काफी लोगों को पता नहीं होगा इस बटन का क्या यूज है। तो ये बटन कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, एक हुक है, हुक की फॉर्म में काम करता है। अगर आप कुछ ऐसा सामान ला रहे हैं जिसके कि बस उसे सीधा ही रखना है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले फीचर पे, जो कि है ग्लो बॉक्स का फीचर, जिसमें कि हम दिखाना चाहेंगे आपको ये, इसको बोलते हैं कूल ग्लो बॉक्स। अगर आप सपोज करो कि कुछ ठंडा सामान रखना चाहते हो, आप इसमें रख सकते हो, और इसमें एसी का जो डक्ट है वो काम करेगा, और अगर आपको नहीं यूज करना इसको बंद कर दीजिए। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है, अगर आप सपोज करो आपने अपनी गाड़ी की बाहर निकाल ली है
और आपका ग्लास ओपन रह गया है, तो आप बिना उसके भी इस गाड़ी में फीचर है, बिना की लगाए भी अपने ग्लास को ऊपर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो मुझे हिडन फीचर पता था वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। अगर आप में से किसी को भी इससे ज़्यादा फीचर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कुछ और आपको बातें शेयर करनी हो रिगार्डिंग द टियागो तो आप इजिली हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।